हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू समता एजुकेशन समता एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका रीजनिंग एजुकेटर सौरभ और आज जो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं वो आपका टॉपिक है अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट का ये सेकंड पार्ट है एक पार्ट जो है वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है उस पार्ट में हमने जो बहुत ही बेसिक्स थे अल्फ़ाबेट के जो यानी कि जो अल्फ़ाबेट है वो किस नंबर पर है किस प्लेस पर है लेफ्ट से राइट से ये सब हमने डिस्कस किया लेकिन फिर भी लेक्चर से पहले एक बार फिर भी हम एक बार देख लेते हैं सब चीज़ों पर गौर कर लेते हैं बच्चों कल हमने ये देखा था कि ए से लेकर के जेड तक जब हम बात करते हैं तो कौन सा जो अल्फाबेट है वो कौन से नंबर पर आता है सबको क्लियर है ना ओके हमने ट्रिक देखी थी ई जे ओ टी वाई ई टी हमने ट्रिक देखी थी यानी कि ई मतलब फाइव जे मतलब टेन ओ मतलब फिफ्टीन टी मतलब ट्वेंटी और जे वाई मतलब ट्वेंटी फाइव ये हमने सीखा था सभी को याद है ओके कुछ एक लेटर्स की यदि हम बात करें तो एम का हमने बताया था मेरा तेरह यानी एम थर्टीन नंबर पे होता है एन की बच्चों बात करें तो एन फोर्टीन नंबर पर होता है एल ओ वी ई लव बारह बजा देता है यानी कि ट्वेल्व नंबर पर होता है ठीक है टी ट्वेंटी यानी टी है वो अल्फ़ाबेट में ट्वेंटी नंबर पे आता है यू युवा यानी कि ट्वेंटी वन नंबर पे होता है ठीक है और भी जैसे हमने बात की थी जी की तो जी है जी को लिखने पर वो सेवन अपने आप बन जाता है तो जी है वो सेवन नंबर पर होता है एच है एच की बात करें तो भैया इस तरह से यदि आप बनाओगे तो ये कुछ आठ के जैसा दिखता है तो ये एच एट नंबर पर होता है कुछ एक का हमने डायरेक्टर के यहाँ पर देखा था कुछ को हमने रिस्पेक्ट में याद किया था कि जैसे एल है तो एल के साथ एम याद करना आई के साथ जी याद करना इस तरह से हमने देखा था क्योंकि बात कर दो तो क्यों तो आपको मैंने बहुत रटवाया था यार क्यों सेवेंटीन नंबर पे होता है ठीक है क्योंकि बहुत ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यदि आपको अल्फाबेट याद है तो आप कोडिंग डिकोडिंग की बात कर लें या मशीन इनपुट की आप बात कर लें बच्चों तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है वो आपको आने वाली है ठीक है इसीलिए जो टॉपिक था जो ये प्लेस वैल्यू याद करने का कॉन्सेप्ट जो तरीका था इसीलिए मैंने यहाँ पर वीडियो को इतना बड़ा खींचा था ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए क्योंकि यहाँ से कम से कम फिफ्टीन ऑफ मार्क्स के आपके यहाँ पे वेटेज बन जाता है यदि आपके अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग और आपका आ जाता है साथ में मशीन इनपुट तो ठीक है इसकी बात जो हमने डिस्कस किया था वो था आपका रिवर्स क्या था रिवर्स रिवर्स या कहें या हम कहें अपोजिट लेटर ऑपोजिट लेटर का मतलब था कि भैया अगर लेफ्ट से ए आता है तो राइट right से जेड आएगा सबको याद है ए टू जेड फिर हमने क्या कहा था बाय या बॉय सी को हमने याद किया था क्लास टेन डी को हमने याद किया था डी डब्ल्यू दूध वाला ई e को याद किया था हमने इवनिंग एफ को याद किया था फादर अंकल जी को याद किया था जी एस टी याद है ना एच को याद किया था हाई स्कूल आई को याद किया था बताओ क्या इंडियन रेलवे जे को किया था जयपुर क्वीन के को किया था केपी कॉलेज कानपुर कमला पसंद ठीक है एल ओ लव एम एन मन तो ये हमने ट्रिक थी जो हमने याद की थी कल क्योंकि बहुत ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करती है फिर हमने आपसे पूछा था कि लेफ्ट से जो आपसे पूछा था कि लेफ्ट से एट नंबर पे कौन है तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको याद करवा दिया था जो एच होता है लेकिन जब कभी आपसे पूछा था कि राइट से ईट पर कौन है तो आप ट्वेंटी में से एट माइनस कर दीजिए आपका बचेगा का नाइनटीन और नाइनटीन की भी बात करें तो हमें आप ये देखिए लेफ़्ट से नाइनटीन पर कौन आता है तो लेफ़्ट से नहीं पता सॉरी लेफ़्ट से ट्वेंटी पर आता है टी और टी से जस्ट पहले कौन आता है एस तो एस आपका आ जाएगा ठीक है समझ में आ गया सॉरी हाँ क्या आ जाएगा आपका ये आ जाएगा राइट से आठ पूछा तो राइट से आठवें नंबर पे क्या आ जाएगा आपका ऐसा आ जाएगा ठीक है क्लियर है सभी को चलिए तो बढ़ते हैं यहाँ पर आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं देखिए सबसे पहले आपसे पूछा गया यहाँ पर कि विच लेटर इज इन ऑन फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड कौन सा लेटर है जो कि सीरीज में लेफ्ट एंड से पाँचवें नंबर पर तो मैंने आपको पहले भी बताया था यार कि ये जो है आपका लेफ्ट एंड होता है और ये आपका राइट एंड होता है बताया था ना तो देखिए लेफ्ट से पूछा गया तो लेफ्ट से तो आपको पता है पाँच नंबर पे कौन आता है ए बी सी डी और ई e आपका आंसर आ जाता है आंसर क्या बन जाएगा ई e बन जाएगा अब राइट से पूछता तो कुछ सोचते लेफ्ट से पूछा तो ए बी सी डी ई आपका क्या बन जाएगा ई e बन जाएगा चलिए बढ़े आगे चलो विच लेटर इज ऑन ट्वेंटी थर्ड फ्रॉम राइट एंड विच लेटर इज ऑन ट्वेंटी थर्ड फ्रॉम राइट एंड बच्चों ट्वेंटी थर्ड है राइट right एंड से अब देखो यहां समझने वाली बात क्या है इसने पूछा है ट्वेंटी थर्ड कहाँ से राइट से तो मैंने आपसे क्या कहा था यार बताओ मैंने आपसे कहा था आपसे जब भी कभी राइट से पूछा जाता है तो आप सीधा सीधा ट्वेंटी सेवन में से माइनस कर दीजिए उस नंबर को क्या बचेगा बताओ चार और चार पे कौन आता है डी आंसर आ जाता है आपका डी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा क्लियर सभी को कोई डाउट है नहीं ना वापस समझ लो यार एक बार आपसे पूछा गया कि राइट से ट्वेंटी थर्ड पर कौन है राइट से ट्वेंटी थर्ड पर कौन सा लेटर आ रहा है तो आप करना क्या है जस्ट ट्वेंटी सेवन माइनस कर दीजिए क्या सेवन माइनस क्या माइनस कर दोगे ट्वेंटी सेवन आप यहाँ पे माइनस कर दोगे तो यहाँ पे आपके पास बचेगा बच जाएगा फोर आपके पास बच जाएगा तो फोर आप, आप, आप बता दीजिए कहाँ से लेफ्ट से फोर पर कौन आता है डी आंसर डी आपका आ जाता तो डी आपका क्या हो जाएगा आंसर बन जाएगा क्लियर है सभी को कोई डाउट आपको यहाँ पर क्रिएट हो रहा है बच्चों नहीं ना एक और तरीका इसका यहाँ पे है आपसे राइट से ट्वेंटी थर्ड पूछा है आप राइट right से मत बताइए आप लेफ्ट से बताइए क्या होता है तो आप कहोगे सर लेफ़्ट से तो हमें ट्वेंटी वन याद है युवा ट्वेंटी वन तो बच्चों युवा अगर आपको याद है ट्वेंटी वन पे आता है तो वी और डब्ल्यू ट्वेंटी थ्री पे आ गया क्या आ गया डब्ल्यू आ गया और डब्ल्यू क्या होता है डी के सामने वाला होता है दूध वाला तो अल्टीमेटली आपका आंसर डी आ जाएगा ठीक है लेकिन मुझे लगता है कि उससे बेटर ये है कि आप सीधा सीधा ट्वेंटी सेवन में से माइनस कर दो फोर आंसर आ जाएगा डी आंसर आ जाएगा राइट right से पूछा था यहाँ पे इधर से देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू थ्री डी आपका आंसर हो गया राइट right एंड से पूछा था इसलिए ठीक है सीधा क्या करना है ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी थ्री इजिक्वल टू फोर माइनस डी आपका आंसर आ जाएगा ठीक है भैया चलो यार हाउ मैनी लेटर्स आर देयर बिटवीन यू एंड जी अब देखो ऐसा नहीं है आपके सामने को ये थोड़ी ना लिखा होगा यार एग्जाम में आपसे पूछ लिया ये बताओ जी कौन से नंबर पे आता है कि सर सेवन नंबर पे आता है समझ में आ गया यू कहाँ पे आ गया यू है वो आपका आ गया ट्वेंटी वन नंबर पे आ गया समझ रहे हैं कितने पे आ गया ट्वेंटी वन पे पूछा है बिटविन पूछा है और जब बीच की बात की जाती है ना तो इधर के और इधर वालों को काउंट नहीं किया था केवल और केवल बीच वाले काउंट किए जाते हैं तो यहीं पे आप निकाल लीजिए ना जी सातवें नंबर पे है यू इक्कीसवें नंबर पे है डिफरेंस कितना है चौदह है लेकिन क्या होगा तेरह आपका आंसर आ जाएगा क्यों आ जाएगा तेरह क्योंकि बच्चों जी और यू को हटाना है देखो ये जी है और ये यू है इनको तो हटाओगे ना इनको छोड़ोगे तभी तो बीच वाले अकाउंट होंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह नहीं समझ में बात आई आपको भैया जी का जो प्लेस वैल्यू है है सेवन यू का प्लेस वैल्यू है ट्वेंटी वन यू का प्लेस वैल्यू क्या है ट्वेंटी वन यहां पे है है ना माइनस करेंगे तो चौदह आएगा लेकिन चौदह तो डिफरेंस इनका है केवल बीच वालों की यदि बात करें तो आपको एक और कम करना पड़ेगा ठीक है आपका आंसर होगा थर्टीन तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा तेरह ठीक है चलिए बहुत से बढ़े आगे विच लेटर इज एग्जैक्टली बिटवीन यू एंड जी देखो अभी की बात है यार हमने देखा यू और जी के बीच में कितने हैं तेरह हैं थर्टीन लेटर हैं जो कि यू और जी के बीच में हैं अब एग्जैक्टली exactly यहाँ पे बिटवीन नहीं आना चाहिए चलो बिटवीन भी चलेगा एग्जैक्टली exactly बिटवीन का मतलब होता है कि देखो बीच में तो सारे ही थे जी और यू के बीच में तो सारे ही हैं लेकिन एग्जैक्टली exactly का मतलब होता है जितने हमारे इधर हैं उतने ही हमारे इधर होने चाहिए तो ऐसा यहाँ पे कौन सा लेटर है जो कि बिल्कुल बीचों बीच में है जी और यू के तो देखो टोटल तेरह थे आपके पास अब तेरा में से क्या करो एक को यहां रख दो छह इधर रख दो और छह इधर रख दो छह इधर से गया छह इधर से गया एक बीच का कितना हो गया तेरा हो गया तो देखो एक दो तीन चार पांच छ यहां तक हो गया एक दो तीन और चार पांच छह यहां तक हो गया बचा क्या आपका एन बच गया आंसर क्या हो जाएगा एन है वो भैया एग्जैक्टली मिड में है समझ में आ गया आपको क्या होता है एग्जैक्टली मिड का मतलब होता है बिल्कुल बीचों बीच में है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फाइव पूछा गया है कि विच लेटर विल कम एग्जैक्टली बिटवीन द टेंथ लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड टेंथ लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड अब यहां पे देखिए ए बी सी डी ही है टेंथ लेटर यहां से हो जाएगा जे लेफ्ट से कहा गया देखो लेफ्ट का मतलब ये एंड से एंड सेवेंथ फ्रॉम राइट और सेवंथ की राइट right से सेवन पे कौन हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सेवन टी आपका आ गया इनके एग्जैक्टली exactly बीच में पूछा है तो इनके एग्जैक्टली exactly बीच में कितने लेटर हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ है ना तो क्या करोगे चार इधर से हटा दो चार यहां से हटा दो एग्जैक्ट बीच में कौन आ गया ओ आ गया ठीक है तो यहां पे जो ओ है वो आपका आंसर बन जाएगा बच्चों समझ में आ तो आपको आ रहा है ना कि विच लेटर विल कम एग्जैक्टली बिटवीन द लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड सेवेंथ फ्रॉम राइट है ना थोड़ा बन तो रहा है हुँ? लेफ्ट तो पता है आपको ए की तरफ लेफ्ट है और जेड की तरफ क्या है राइट है अब जरूरी नहीं है यहां पर कि आपको डी ही आए कुछ और भी आ सकता था यहां पर जैसे यहाँ पर रेंडमली कोई भी लेटर्स आ जाते कि के पी ए जेड पी वाई तो कुछ भी आ सकता था यहाँ पर यहाँ यहाँ पर हालांकि इनिशियल लेवल पे समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ए से लेके जेड तक का जो अल्फ़ाबेट है वो लिख दिया लेकिन हो सकता है ये ऐसा ना आए ठीक है चीजें समझ में आ रही हैं आपको बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर विच ऑफ द लेटर इज टेंथ टू द लेफ्ट ऑफ द नाइनटीन फ्रॉम लेफ्ट एंड समझिए मतलब क्या है विच ऑफ द लेटर इज टेंथ टू द लेफ्ट कौन सा लेटर है जो कि टेन लेफ्ट में है कौन सा लेटर है जो कि टेन लेफ्ट में है किसके ऑफ द नाइनटीन फ्रॉम लेफ्ट एंड लेफ्ट से नाइनटीन के लेफ्ट में दस लेफ्ट से 19 चाहिए और उसके भी लेफ्ट में क्या कहां चाहिए दस चाहिए तो पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द लेटर टेंथ टू द लेफ्ट कौन सा लेटर है वो टेंथ लेफ्ट में है किसके 19 फ्रॉम लेफ्ट लेफ्ट से 19 के लेफ्ट में दस लेफ्ट से 19 के लेफ्ट में दस देखो लेफ्ट ये है तो लेफ्ट का 19 कहाँ हो जाएगा सीधे सीधे अभी तो ये अल्फाबेट है तो ये तो हमें याद है तो सीधा सीधा हम पहुँच जाएँ सीधा सीधा हम पहुँच गए यहाँ पे एस पे आप काउंटिंग करके भी जा सकते हैं यहाँ से ए बी सी डी एफ जी एच एस तो आप पहुँचोगे कहाँ पर एस पर ठीक है क्लियर है सबको एस पर पहुंच गए अब ये बात बताइए कि अगर एस पर आप खड़े हुए हैं तो आपका लेफ्ट हैंड कौन सा होगा इधर तो कौन सा एंड हो जाएगा राइट हो जाएगा और इधर कौन सा होगा लेफ्ट होगा समझ में आ गया इधर तो राइट साइड हो जाएगी इसकी और इधर कौन सी हो जाएगी यहां पर ये हो जाएगी लेफ्ट साइड और ये हो जाएगी राइट साइड तो कहा यह गया था कि विच ऑफ द लेटर इज टेंथ टू द लेफ्ट ऑफ 19 फ्रॉम लेफ्ट की लेफ्ट से 19 के लेफ्ट में 10 तो पहले आप लेफ्ट से नाइनटीन आए और यहाँ से लेफ्ट दस जाना है तो अब इधर से जाओ दस वापस तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस कहाँ पे आके आप पहुँचे हैं आई पर कहाँ पे पहुँचे हैं आकर के आई पर आप आके पहुँचे हैं तो आपका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे आई बन जाएगा क्या बन जाएगा भैया आई ओ पी क्यू आर चार आपके ये हो गए हैं और अच्छा पाँच ना एन ओ पी क्यू आर और फिर हो गए पाँच यहाँ पर आई जे के एल M समझ में आपको आ रहा है लेकिन देख, देखो एक बात समझो यार आप कहोगे सर पहले आप हमें यहाँ तक ले गए फिर आप हमें वापस यहाँ पे लेके आए हो तो कैसा होता कि सर आप वहाँ तक जाते ही ना आज तक पहले ही जब आपको आई ही तक ही आना था तो आप गए क्यों उधर तो मैं कहा यार बात तो बिल्कुल सही है ना तो देखिए हम क्या करते हैं जब भी मेरे पास सेम डायरेक्शन आती हैं यानी यहाँ भी लेफ्ट है और यहाँ भी लेफ्ट है दोनों ही जब मेरे पास लेफ्ट आ जाते हैं दोनों ही साइड जब मेरे पास क्या आ जाती हैं एक भी लेफ्ट आ गया और दूसरा भी क्या आ गया लेफ्ट आ गया ठीक है ये भी लेफ्ट आ गया और इधर भी लेफ़्ट आ गया तो आप क्या करोगे उन दोनों को माइनस कर दो क्या कर दो माइनस कर दो समझ में आ रही है आपको बात यानी तो टेंथ टू द लेफ्ट नाइनटीन फ्रॉम लेफ़्ट तो आप क्या करोगे माइनस कर दो क्या बच जाएगा नौ अब ये मत करना सर माइनस का नौ बच गया डिफरेंस निकाल दो चलो तो क्या बचेगा नौ बचेगा समझ में आपको आ रहा है जब भी कभी डायरेक्शन सेम दे, दी आपको है तो आप क्या करो 19 में से 10 माइनस कर दो तो क्या बच जाएगा नौ बच जाएगा ना बच्चों लेफ्ट के 19 माइनस लेफ्ट के 10 क्या बचेगा लेफ्ट के नाइन बच गया अब आप सीधा सीधा क्या करो लेफ्ट से नाइन काउंट कर दो तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन आपका ये आंसर आ गया बात समझ में आई आपको पूरा बच्चों ऐस तक जाने की और वापस लौटने की जरूरत नहीं है जब भी कभी आपके पास इस तरह से सेम जब आपके पास आता है तो सेम आने पर आप क्या करोगे माइनस कर दोगे समझ में आ गया देखो लेफ्ट लेफ्ट आए तो माइनस कर दो राइट राइट आए तो भी माइनस कर दो ठीक है लेकिन लेफ्ट लेफ्ट में हमने जो काउंटिंग ली है वो लेफ्ट से ली है और राइट राइट आए तो आपको काउंटिंग राइट से लेना है ठीक है चलिए बढ़े आगे बहुत बढ़िया चलिए विच ऑफ द लेटर इट्स सेवेंथ टू द राइट ऑफ नाइनटीन फ्रॉम राइट एंड अब देखो वापस से आप कहोगे सर यहां पे तो सीरीज नहीं है तो यहां पर उसी सीरीज की बात की जा रही है और मैंने वो हटा दी है अब की बार ताकि कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं वो काउंटिंग आउट नहीं कर रहे ऊपर से ही काउंट कर रहे हैं देखो सेवन टू द राइट ऑफ द नाइनटीन फ्रॉम राइट दोनों राइट right आ गए हैं तो क्या करोगे हैं 7 right right. क्या करोगे आप राइट राइट बचा आपके पास बताइए बारह राइट माइनस की वैल्यू नहीं आएगी यहां पर ठीक है जो भी आएगा वो आपकी प्लस वैल्यू ही आएगी ठीक है यानी डिफरेंस हम यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं ठीक है क्या आएगा बारह आ गया अब यहां पर ट्वेल्थ राइट right आ गया तो आप हमें यह बताइए कि ट्वेल्थ राइट एंड से ट्वेल्थ पर कौन आता है कहां पर अल्फाबेट में अल्फाबेट में राइट से ट्वेल्थ पर कौन आएगा तो आप कहोगे सर आपने हमें बताया था कि जब भी कभी राइट से पूछा जाता है तो आपको ट्वेंटी सेवन में से माइनस कर देना है तो क्या बच जाएगा फिफ्टीन बच जाएगा ना और 15 पे कौन आता है बताओ 15 पे आता है आपका ओ e टी याद है तो पे पे आपका समझ में आया बच्चों मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ भी राइट है और यहाँ भी राइट है मैंने सीधा सीधा क्या किया सेवन आर माइनस नाइनटीन आर बच्चों मेरे पास निकल के क्या आया था ट्वेल्व आर निकल के मेरे पास आ गया ठीक है राइट right से बारह मेरे से पूछा गया तो राइट right से तो मुझे याद नहीं तो मैंने आपको बताया था कि ट्वेंटी सेवन माइनस बारह कर दो तो क्या बचेगा आपको पास पंद्रह आ जाएगा फिफ्टीन आ जाएगा फिफ्टीन क्या होता है ओ होता है तो आपका वही आपका ओ आंसर हो जाएगा ठीक है समझ में आ गया आप चलो हाँ बिल्कुल सही है यार कि लेफ़्ट से होता है ओ पंद्रह लेकिन राइट से आप काउंट करोगे ना तो बारह नंबर पर आएगा ठीक है चलिए वो नहीं होता क्या एल ओ तो हमने ऑपोजिट पढ़े थे लव लंच ठीक है चलो बढ़े है अगले क्वेश्चन पे यहां पे चलिए चलते हैं कि विच ऑफ द लेटर इज एथ टू द राइट ऑफ द ट्वेल्थ फ्रॉम राइट एंड विच ऑफ द लेटर इज एट टू द राइट ऑफ द ट्वेल्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड यार देखो यहां पे क्या है आप कहोगे सर आपने बताया था कि लेफ्ट लेफ्ट को माइनस कर देते हैं और राइट राइट को माइनस कर देते हैं लेकिन सर आपने ये तो नहीं बताया कि यहां पे राइट आ गया इधर लेफ्ट आ गया तो अभी का क्या करना है करना क्या है देखो अच्छा आपने मैग्नेट को आप जानते हो चुंबक जब आप नाइन्थ टेंथ ट्वेल्थ में आए होंगे तो वहां पे आपको बताया गया होगा कि एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है साउथ के पास जब साउथ होता है तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं यानी कि दूर भागते हैं है ना और जब साउथ यानी कि इस तरह से होता है लेकिन जब कभी इस तरह से आपका सिचुएशन बनती है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं यहां पर भी वही सीन है जब सेम सेम थे तो माइनस हो रहा था ठीक है लेकिन अब क्या है दोनों अलग अलग आ गए हैं राइट आ गया और लेफ्ट आ गया राइट आ गया और लेफ्ट तो अब ये जुड़ जाएंगे दोनों समझ में आ गया दोनों क्या हो जाएंगे आपके ऐड हो जाएंगे यदि दोनों डायरेक्शन अलग अलग आती हैं लेफ़्ट अलग आता है और राइट अलग आ जाता है तो करना क्या है दोनों आपके ऐड हो जाएंगे लेकिन बात यार यहाँ पर यह आ जाती है कि सर लेफ्ट और लेफ्ट माइनस किया था तो हमने काउंटिंग हमारा जो आंसर आया था वो लेफ्ट से आया था राइट right राइट -right माने इस किया तो आंसर जो आया हमारा राइट right से आ गया लेकिन जब कभी भी राइट right और लेफ्ट आएंगे तो हमारा आंसर कहाँ से आएगा तो हमारा आंसर कहाँ से आएगा चलो देखते हैं ऐसा करते हैं एक बार हम यहाँ पे सारे अल्फाबेट लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस हो गया समझो विच ऑफ द लेटर इज एट टू द राइट एट्थ राइट में है किसके ट्वेल्थ फ्रॉम लेफ्ट तो पहले तो आपको लेफ्ट से कितना काउंट करना है ट्वेल्थ काउंट करना है कौन सा ऐसा अक्षर है जो कि आठ राइट right में है किसके ट्वेल्थ फ्रॉम राइट लेफ्ट एक ऐसा अल्फाबेट जो कि लेफ्ट से ट्वेल्थ पर है तो लेफ्ट से ट्वेल्थ पर आपका कौन आ जाएगा एल आ जाएगा ठीक है लेफ्ट से ट्वेल्व पे कौन आ जाएगा आपका एल आ जाएगा अब इसके भी आपको आठ राइट में जाना है तो आठ राइट में कहा हो गया एक राइट दो राइट तीन राइट चार पांच छ सात आठ कहा गए टी पर तो टी आपका आंसर हो जाएगा तो यहां पे आपको करना क्या है भैया समझो मेरी बात को जब कभी भी आपके पास दिशाएं अलग आ जाएं एक राइट आ जाए एक लेफ्ट आ जाए तो आप क्या करोगे आर एट प्लस आर एट प्लस एल बारह तो क्या हो जाएगा पास ट्वेंटी हो जाएगा अब ट्वेंटी कहाँ से काउंट आपको काउंट करना जो बाद में जो आपको साइड दी है ना बाद में जो आपको साइड दी है वहां से आप काउंट कर दीजिए जो ट्वेंटी आप कहाँ से काउंट कर दीजिए लेफ्ट से काउंट कर दीजिए ठीक है समझ में आ गया देखो एट राइट प्लस ट्वेल्व लेफ्ट आठ राइट प्लस ट्वेल्व लेफ़्ट हो गया क्या हो गया ट्वेंटी हो गया ट्वेंटी कहाँ से काउंट करोगे जो साइड आपको बाद में दे रखी है लास्ट में दे रखी है तो लेफ़्ट लास्ट में है तो आप इसे लेफ़्ट से काउंट कर दीजिए और लेफ़्ट से तो आपको याद ही है क्या होता है टी ट्वेंटी क्या होता है टी ट्वेंटी होता है समझ में आ गया चलिए बहुत बढ़िया बढ़ें विच ऑफ़ द लेटर इज इलेवेंथ टू द लेफ्ट ऑफ सेवन फ्रॉम राइट हैंड तो देखो वापस से क्या हो गया दिशाएं अलग हैं आप क्या करोगे कुछ नहीं बस क्या करना है लेफ्ट लेवन ठीक है और सेवंथ फ्रॉम राइट प्लस कर दीजिए सेवन राइट को तो एल ग्यारह आर सेवन भैया क्या हो जाएगा बताओ एटीन हो जाएगा अट्ठारह ठीक है अच्छा कहाँ से लोगे अब बताइए तो आप कहोगे सर राइट हैंड से लेंगे तो आपको लेना है राइट हैंड से एटीन नंबर पे राइट हैंड से किसी नंबर की पैसे कैसे पता करते हैं आर एटीन अगर आपसे पूछा है तो आप ट्वेंटी सेवन में से माइनस कर दो तो क्या बचेगा आपके पास नौ बचेगा नाइन बचेगा ना भैया देख लो एक बार क्या बचेगा नाइन बचेगा और आप ये बताओ कि अल्फाबेट में नाइन नंबर पर कौन आता है आई आ जाता है आ जाता है आई क्योंकि एच आठ नंबर पे आता है एच को ऐसे बनाते हैं देखो एच ऐसा होता है अगर इसमें एक और नीचे तरह से बना दे तो ये आठ बन गया तो एच एट नंबर पर होता है उससे अगला वाला आई होता है तो आई यहां पे आपका आंसर बन जाएगा ठीक है क्लियर है इधर से आप काउंट करोगे तो आपका आंसर आई बन जाएगा ठीक है चलिए बढ़े आगे क्वेश्चन सेम है नहीं विच ऑफ द लेटर इज टेंथ टू द लेफ्ट ऑफ नाइन फ्रॉम राइट एंड वापस से कर दो लेफ्ट से टेन प्लस राइट से नाइन क्या हो जाएगा नाइनटीन हो जाएगा नाइनटीन कहाँ से लेना है आपको बाद वाली साइड से बाद वाली साइड क्या है राइट एंड राइट से नाइनटीन लेना है कैसे लोगे सर आपने बताया था कि राइट से नाइन्टीन पूछे तो आप इसे 27 में से माइनस कर दीजिए 27 में से माइनस करोगे तो यहां पास निकल के आएगा 8 और 8 नंबर पे आपका होता है h जो मैंने अभी बताया था आंसर क्या हो जाएगा h हो जाएगा ठीक है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर आपसे कहा गया है फर्स्ट हाफ ऑफ द अल्फाबेट सीरीज इज रिवर्स देखो मैंने अगर आपको पता हो तो बहुत ही स्टार्टिंग में जब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि यहां से यहाँ तक तो हमारे अल्फाबेट होते हैं और यहां पर बीच में ये हाफ होता है हाफ का मतलब होता है कि टोटल मेरे पास ट्वेंटी अल्फाबेट हैं तो पार्ट में मैंने ने तोड़ दिया 13 इधर और 13 इधर 13 इधर और 13 इधर तो ये तो इसे जो कहते हैं फर्स्ट हाफ कहते हैं ठीक है अर्धांश से हिंदी में कहते हैं ठीक है प्रथम अर्धांश अर्धांश का मतलब क्या होता है आधा अंश यानी कि आधा भाग ठीक है यहां क्या हो गया 13 अल्फाबेट इधर हो गए हैं और 13 अल्फाबेट इधर हो गए हैं तेरह अल्फाबेट इधर तेरह अल्फाबेट इधर यानी कि ए से लेकर के एम तक यहां पे आ जाएंगे और एन से लेकर के जेड तक यहां पे आ जाएंगे यही क्या है आपका अल्फाबेट अब इधर करना क्या आपको है फर्स्ट हाफ द लेटर इज रिवर्स्ड यदि फर्स्ट जो हाफ है उसे रिवर्स कर दिया जाए ठीक है यहाँ पे मैं क्या करता हूँ यार कि आपको सीधे लिए चलता हूँ यहाँ पर ठीक है ताकि यहाँ बेहतर आपको समझ में आ जाएगा फर्स्ट हाफ कौन सा था बच्चों देखो, देखो आपका ये रहा इंक चेंज कर लेते हैं थोड़ा आपको बेहतर लगेगा फर्स्ट हाफ जो आपका है वो यहाँ तक है और सेकेंड हाफ आपका यहाँ तक है समझ में आ गया नहीं आ गया अब देखो क्वेश्चन पे आ जाओ वापस से वहाँ पर अच्छा यहीं पे लिखूँ क्या यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए चलिए ए बी सी डी आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स अच्छा लगता है आपको कितना आसान सा टॉपिक इतने नंबर का आता होगा देखो नो no डाउट आपका जो टॉपिक है वो पाँच नंबर का आता है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लेकिन बात यहाँ पे क्या होती है कि जो नॉर्मल बच्चा होता है ना वो यहाँ पे टाइम खींच जाता है उसे लगता है कि इसे तो मैं बना लूँगा और वो बनाने 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 के चक्कर में वो अपना अच्छा खासा टाइम वेस्ट कर देता है लेकिन जो सेलेक्शन के लिए जाता है वो इस टॉपिक को जरूर करता है लेकिन सबसे पहले निपटाता है है? ठीक और बहुत ही स्पीड के साथ कहा गया फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया जाए तो हमने क्या किया यहां उठा के, जो फर्स्ट हाफ था हमारा उसे हमने रिवर्स कर दिया पार्ट था इसे हमने रिवर्स कर दिया रिवर्स कैसे होगा एम यहां आ जाएगा ए यहां जाएगा ऐसे तो रिवर्स होगा एल इधर आ जाएगा बी इधर आ जाएगा ठीक है तो ए बी सी इस तरह से बन जाएगा इधर ऐसे एस और ऐसे बन जाएगा समझ में गई नहीं आ गई बात चलो तो केवल और केवल फर्स्ट हाफ आपको चेंज करना है सेकेंड हाफ आपको छेड़ना नहीं है फर्स्ट हाफ ऑफ एल्फाबेट सीरीज इजर्स देन विच ऑफ द लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द सिक्सटीन फ्रॉम राइट एंड समझे बात को फर्स्ट हाफ ऑफ एल्फाबेट सीरीज इज रिवर्स देन विच ऑफ द लेटर देखो थोड़ा थोड़ा काम करिए रिवर्स करने के लिए कहाँ कर दिया अब आगे क्या है देन विच ऑफ द लेटर इज विल बी फिफ्थ टू द लेफ्टीन फ्राम राइट अब यहाँ जो ये यह क्वेश्चन है ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो अब तक हम किए जा रहे थे समझ में आ गया आपको क्या है देखो फिफ्थ टू द लेफ्ट सिक्सटीन फ्रॉम राइट तो यहां क्या, क्या करोगे पांच लेफ्ट और राइट से सिक्सटीन यानी कि प्लस करना पड़ेगा क्यों क्योंकि यहां पर जो साइड है वो अलग अलग हैं तो क्या आ जाएगा यहां बताओ सिक्सटीन और फाइव ट्वेंटी वन आ जाएगा अब ट्वेंटी वन काउंट कहां से करोगे बताओ तो बाद वाली साइड से यानी कि राइट एंड से आपको काउंट करना है ट्वेंटी वन समझ में आ गया ये तो क्लियर ही है आपको दोनों साइड अलग अलग थी आपने दोनों को ऐड कर दिया ऐड करने के बाद ये देखा कि काउंट कहाँ से करना है तो आपको बाद वाली जो साइड है वो आपको राइट मिली तो राइट से आप काउंट कर रहे हैं ठीक है चलो अब करना क्या है आपको राइट से ट्वेंटी वन काउंट करना है तो आप कहोगे सर ऐसे अगर हम लिखने लगे ए से लेकर के एम और जेड फिर उनको रिवर्स करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा तो मैं कह रहा हूँ भैया करना ही नहीं है हम क्या कह रहे हैं आपको ऐसा कुछ करना ही नहीं है क्यों नहीं करना देखो समझो एक बात आपने जो चेंज किया है वो कहां किया है फर्स्ट हाफ में हाफ तो एज इट इज है है ना समझिए मेरी बात को आपको राइट right से 21 आना है। मैं जो बात कह रहा हूं उसको बहुत ध्यान समझिएगा आपको राइट right से कहा कितना ट्वेंटी वन आपको पता है पीछे के जो तेरह लेटर थे उनमें आपने कोई चेंजेज नहीं किया समझ में आ रही है आपको मेरी बात तो यानी कि आप जेड से लेकर के एन तक तो आ ही जाएंगे कोई दिक्कतें आपको नहीं आएगी समझ में आ रही है आपको बात जेड से लेकर के एन तक तो यार आप आ ही जाओगे ना वहां तो कोई प्रॉब्लम आपको आएगी ही नहीं तो यहां पर कितने आपने कवर कर लिए थर्टीन लेटर आपने कवर कर लिए आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं आपको राइट एंड से ट्वेंटी बनाना है और पीछे का जो पार्ट था एन से ले कर जेड उसमें आपने छेड़छाड़ की नहीं तो तेरह आप आ गए अभी आपको कितने स्टेप और जाना था आपको सर, टोटल वन जाना था, 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 आ अभी हमें एट और जाना है ठीक है अब देखो जैसे आप आगे जाओगे ना तो यहाँ पर अब ए मिलेगा आपको क्योंकि रिवर्स कर दिया गया था ठीक है आप कहोगे सर ऊपर आप क्यों नहीं बता रहे ऊपर इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि इतना हम नहीं लिखेंगे हम डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं वो नीचे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ठीक है एन से जेड तेरह आप आ गए अभी आपको आठ और जाना है तो समझो एन से जैसे ही आप इधर बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको ए मिलेगा क्योंकि रिवर्स करके आ गया अभी आपको आठ और जाना है तो एक पे ए आ गया दो पे कौन आ जाएगा बी आ जाएगा भैया ऐसे आठ पे कौन आ जाएगा बता दो यार तो आप कहोगे सर आठ पे एच आ जाएगा नहीं आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच एट पे कौन आ जाएगा एच आ जाएगा समझ में आ गया तो यहाँ पे जो आपका आंसर निकल कर जाएगा क्या निकल के आ जाएगा एच निकल के आ जाएगा क्या निकल का आ जाएगा एच निकल का जाएगा आई होप समझ में आ गया होगा तो यहाँ पर अगर वो सेकंड वाले को भी आपका रिवर्स कर देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे जेड है यहाँ पे एन है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यार फिर भी आपने आधा तो क्रॉस करना ही है यहाँ पे हमने क्या किया हमारा आंसर आया था राइट से ट्वेंटी वन थर्टीन वाले में कोई चेंजेज नहीं था तो मैं एन तक तो एजिट आ ही गया अब मुझे आठ और जाना था अब एन के बाद में रिवर्स कर दिया तो अब एन के पास में ए आ गया था यहां पर तो फिर मैंने आगे गया तो एच मुझे आठवें नंबर में मिल गया ठीक है समझ में आ गया क्लियर है चलो बनाए आगे चलिए यहां पे दिया हुआ है कि वट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए बताइए सी F, J, O. C है F है J है O है तो आगे क्या आएगा C, F, J, O के बाद क्या आ जाएगा बताइए देखो समझो C कौन से नंबर पे आता है बच्चों? ए बी सी तीन नंबर पे आता है F आता है छे पर J आता है दस पर O आता है पंद्रह पर समझ रहे हैं बात को चलो मैं बहुत सही और तरीके समझाता हूँ यार मतलब क्या है समझ में आना चाहिए देखो सी यहाँ पे मैं इंक चेंज कर लेता हूँ आपको और समझ में आएगा सही से सी सी के बाद एफ था एफ के बाद जे था जे के बाद ओ था देखो कॉमन चीज क्या निकल के आ रही है सी और एफ के बीच में कितने लेटर हैं दो एफ और जे के बीच में कितने लेटर हैं तीन जी और ओ के बीच में कितने लेटर हैं चार तो अब कितने आएंगे देखो दो यहाँ पर तीन यहाँ पर चार यहाँ पर कितने आएंगे बीच में पांच तो पांच कहाँ पे पा आ जाएंगे पी क्यू आर एस टी आपका आंसर आ जाएगा यू यहां पांच हो गए लोग आपको सर ऐसे लिखना पड़ेगा भैया नहीं लिखना पड़ेगा यहीं देख लो ना इधर कितने का डिफरेंस है तीन का तीन से छः ना यहाँ कितने का है छः चार दस चार का यहाँ पे टेन फिफ्टीन कितने है फाइव का अब कितने का आ जाएगा सिक्स का तो ओ से आगे आप छः काउंट कर लो उससे पी क्यू आर एस टी यू तो यहाँ आपका आंसर यांस, यू आ जाएगा बताइए बात बनी नहीं बनी समझ में आई बात नहीं आई है क्लियर है कोई डाउट नहीं चलो पढ़ते हैं आगे तो ये सीरीज है ठीक है और सीरीज कैसे बन सकती है हो सकता है दो दो का गैप रहता है यहाँ पे दो तीन चार पाँच का है ठीक है लगातार बढ़ रहा है चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है यार नीचे मजा आएगा देखो थर्टी नंबर की हम बात कर रहे हैं वाई एक मिनट वाई जी एस एक्स एच क्यू डब्ल्यू आई ओ यहां पर दिए हुए हैं तो आगे क्या आएगा बहुत आसान है देखो यहां पे हम क्या करते हैं सबके पहले पहले लेटर को कंपेयर करते हैं इसका पहला इसका पहला और इसका पहला देखो Y X W अच्छा पढ़ने में ऐसे नहीं लग रहा सर W X Y W X Y लग रहा है ना तो यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा V आ जाएगा कैसे देखो V W V यहां पर W X Y बन गया ठीक है सेकेंड वाला देखो G H I J लो क्लियर है यहां पर G H सबका सेकेंड सेकेंड हमने कंपेयर किया ठीक है अगला चलते हैं एस क्यू ओ वट विल बी नेक्स्ट देखो ओ से क्यू जाओ तो ओ पी क्यू पी बीच में आया क्यू से एस जाओ तो आर बीच में आया देखो ओ पी क्यू क्यू आर एस यानी बीच में एक एक है तो यहां पर यदि यह ओ आया है तो ओ से पहले क्या आता है एन तो यहां पे क्या आ जाएगा एम आ जाएगा पढ़ के देखो एम एन और ओ एम एन ओ पी क्यू और क्यू आर एस समझ में आ गया आपको कि नहीं आया तो यहां पर पहले से पहला दोस्तों तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन जो आपके आएंगे वहां से आप क्लिक कर दीजिएगा वी जे एम आपको टिक कर देना ठीक है वी जे एम आपको वहां से टिक कर देना है भैया समझ में आ गया ना क्लियर है सबको चलो बहुत सही सीरीज वाले क्वेश्चन आपके आते हैं यार एग्जाम में ख्याल रखिएगा चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर देखो बहुत ही ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक नंबर का आपके डेफिनेटली एग्जाम में आता ही आता है क्लैरिकल एग्जाम हो पीओ एग्जाम हो प्रिलिम्स में आता है मेंस में नहीं आता और सबसे आसान क्वेश्चन है बात मानो समझो ध्यान से पूछा गया कि हाउ लेटर्स आर देयर इन वर्ड रीजनिंग विच हैज एज मैनी अल्फाबेट बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेट बोथ साइड देखो कहा गया है कि जो वर्ड है रीजनिंग नीचे इसके ऑप्शन नहीं है एक्चुअली नीचे जो आपको दिया है ना वो अलग क्वेश्चन है ठीक है इन पे जम जाइए अभी ऊपर देखिए शब्दों के ऐसे कितने युग्म हैं अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं ऐसे कितने जोड़े हैं हाउ मैनी सच पेयर ऑफ लेटर्स शब्दों के अक्षरों के या ऐसे कितने युग्म हैं ऐसे कितने जोड़े हैं दे आर इन वर्ड रीजनिंग रीजनिंग जो वर्ड एक है इस वर्ड में शब्दों के अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं ऐसे कितने पेयर हैं विच हैज़ एज मैनी एज अल्फ़ाबेट बिटवीन दैम एज इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज उनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं समझ रहे हैं नहीं समझे चलो कोई बात नहीं हाउ मैनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देर एंड वर्ड रीजनिंग रीजनिंग जो एक वर्ड है रीजनिंग जो एक वर्ड है उस वर्ड में ऐसे कितने लेटर्स हैं जिनके बीच में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं नहीं समझ आया कोई बात नहीं देखो आप इसको देखो एक बार आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी इधर से पढ़ना स्टार्ट कीजिए तो यहां से जी आगे बढ़ो लेफ्ट की तरफ जी एच और आई तो यहां पर देखो जी और आई के बीच में कितने लेटर हैं आपको भी सर एक कौन सा लेटर n तो यहां पर भी जी और आई के बीच में कितने लेटर है एक और उधर जब हम बात करते हैं अल्फाबेट एबीसीडी जब हम बोलते हैं तो भी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तो यहाँ पर भी जी और आई के बीच में कितने लेटर्स आ रहे हैं एक तो यहाँ भी जी और आई के बीच में एक आ रहा है और यहाँ भी जी और आई के बीच में एक आ रहा है तो आपसे पूछ तो ये एक पेयर बन गया जी और आई का एक पेयर बन गया तो वही तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने पेयर बनेंगे यहाँ पर जिनके बीच में उतने ही लेटर हैं जितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आते हैं ठीक है तो कैसे करेंगे करो क्या यहाँ पर देखो बेहद आसान है आप बस ए बी सी डी बोलना जानते हो ना वही करो और आपने कुछ करना ही नहीं नाम मैं कुछ कहूँगा आपको आप क्या करो सबसे फर्स्ट लेटर पर आ जाओ आर पर ठीक है और आर से आगे आप अल्फाबेट बोलना स्टार्ट कर दीजिए और अपने पेन को रख दीजिए अगले लेटर पर तो देखो आर तो सबसे स्टार्टिंग में है आर के बाद आपको एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऐसे बोलना है आगे जाते हो देखो तो आर तो है ये आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तो आपने कहा सर ये क्या हुआ क्यों बोला था कहने का मेरा मतलब है जो मैंने बोला जो हमने बोला अगर वही उस समय हमारी पेन की जो निब है पेन का जो पॉइंट है उसके नीचे अगर आ गया तो वही हमारा पेयर बन जाता है वापस समझो एक बार क्या लिखा था यहाँ पे अच्छा वो भी रफ हो जाता है यार पूरा आर से आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड यानी जो मैंने बोला था उसी वक्त जब मैंने मार्क किया था तो दोनों सेम पॉइंट पे नहीं थे तो क्या हो गया एक भी पेयर मेरा यहां पे नहीं बना अब क्या करेंगे यहां पर बार बार लिखना पड़ रहा है ना तो आर आपका हो गया खत्म ठीक है क्योंकि आर से कोई पेयर नहीं बना अब ई पे आ जाओ ई से आगे कैसे काउंट करोगे आप ई से ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं मिला कोई भी यानी कि जो आप बोल रहे हैं वही आपके पेन के पॉइंट पर होना चाहिए कोई नहीं मिला ऐसे चलते हैं आगे ऐसे देखो ए बी सी डी ई एफ और जी बिल्कुल बिल्कुल मिल गए देखो ए और जी को देखो ध्यान से कितने लेटर हैं इनके बीच में एक दो तीन चार पांच ए और जी को जो कितने हैं पांच हैं और यहां देखो ऊपर ए बी सी डी ई एफ और जी यहां पर भी कितने इनके बीच में तो यही तो वो पूछ रहा था तो हमारा यहाँ पे एक पेयर बन गया जैसे ही बना आपने नीचे एक, एक यहां पे मार्क कर दे सर एक मिल गया ठीक है खत्म करो एस पे आ जाओ एस से आगे बढ़ो तो यहां करोगे टी यू वी डब्ल्यू एक्स कि सर बात नहीं बनी एस से भैया कोई बात नहीं चलो ओ पे आ जाओ ओ से ओ पी क्यू आर एस कुछ नहीं हुआ ओ को कैंसिल कर दो एन पे आ जाओ एन से काउंट करो एन से ओ पी क्यू कोई नहीं मिला आई से आई के बाद क्या था बताओ आई से जे के फिर कोई नहीं मिला आई ख़त्म कर दिया एन से आगे जाओगे एन से ओ बिल्कुल नहीं मिला जी से आगे तो कुछ है ही नहीं अब करना क्या आपको एक मिला है लेकिन इसने क्या कहा बोथ साइड अच्छा ये बोथ साइड कहे या ना कहे उससे आप पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला आपने फिर भी दोनों ही तरफ से काउंट करना है ठीक है तो अभी तो आपने एक तरफ से काउंट किया है अभी तो आपने एक तरफ से काउंट किया है अभी आपको दोनों तरफ से काउंट करना है तो पहले तो आपको एक मिल गया था अब क्या करोगे यहां पर दूसरी तरफ से काउंट करोगे यानी बेकेंड से काउंट करोगे जी से चलो तो जी से जी जी एच आई देखो आई पे रखा और आई आपने बोला जी से आगे चले कि जी एच आई जैसे आपने बोला वही आपकी पॉइंट जो पेन था उसके पॉइंट पे आ गया तो आई तो आपका एक और पेयर बन गया अब पेयर बनते हैं आपको रुकना नहीं है ये सर बन तो गया और आगे चलना है तो आई जे के एल एम एन ओ बात बनी नहीं बनी तो जी को आप यहां से अब हटा दीजिए ठीक है समझ में आ गया एन पे आ जाओ एन का आपका है बच्चों एन ओ पी क्यू आर एस टी यू एन ओ पी क्यू आर एस टी यू कोई नहीं बना तो यहां से निकल गया आपका भैया आपका एन भी कट गया ठीक है आई पे आ जाओ तो आई जे के एल एम एन ओ बात बनी नहीं बनी आई भी कैंसिल हो गया ठीक है चलिए फिर आगे चले एन पर तो एन से चले तो एन ओ ये लो फिर कोई मिल गया यानी कि यहाँ पर एन के जस्ट पास में हुआ तो देखो यहां भी एन और ओ के बीच में कोई नहीं है और उधर भी एन और ओ के बीच में कोई नहीं आता ठीक है तो यानी एक और मिल गया एन O, ओ ठीक है समझ में आ गया लेकिन रुकना नहीं है एम सॉरी एन ओ पी क्यू आर एस कोई नहीं मिला और ठीक है एन तो हो गया अब ओ पे आ जाओ तो ओ पी क्यू आर एस बात नहीं बनी और आपका ओ भी चल दिया आपका ओ भी चल दिया एस से एस टी यू वी बात नहीं बनी ए से बी सी नहीं बनी और आगे कुछ नहीं बनेगी तो आपके जो लेटर निकल गए कितने निकल गए? थ्री ऑप्शन जो आपका वो इस तरह से आएंगे वन टू थ्री फोर या मोर देन फोर या नन कभी कभी ऐसा हो सकता है हो सकता है कोई भी पेयर ना बने तो यहां पे आपसे पूछा गया था बताइए कितने नंबर ऑफ पेयर्स ऐसे निकलेंगे जिनके बीच उतने ही लेटर्स हैं जितने कि इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं तो यहां पर कितने गए तीन निकल गए चलो एक बार क्रॉस चेक और कर लेना है ना चलिए मेथड ये है चलो यहां पे ये मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं चलो बनाते हैं यहां पे अमेरिकन क्या है अमेरिकन है है ना चलो यहां पे करना क्या है आपको वही ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे काउंट किया तो ए बी सी डी ई एफ जी एच क्या कोई भी आपको पॉइंट है वो मिला आपको नाजी सर कोई नहीं मिला भैया सही है अगले पॉइंट पर आ जाइए एम एन ओ पी क्यू आर एस यहां भी कोई नहीं मिला वापस से क्या करेंगे ई एफ जी एच आई जे तो यहां भी आपको कोई पॉइंट नहीं मिला यहाँ से बढ़ते हुए हम गए हैं फिर इसके बाद वापस आ गए आर एस टी यू वी आर एस टी यू वी यहाँ पे भी हमें कोई पॉइंट नहीं मिला है ठीक है इसके बाद में हम कहाँ पे जाएंगे बताओ आई पर आई जे के एल वो भी हमें नहीं मिला ठीक है फिर इसके बाद हम कहां पे आते हैं सी ओके यार इनकल नाम गए ना सी डी ई फिर इससे हमें कोई नहीं मिला ए बी यानी इधर से हमें जो है एक भी पर्सन नहीं मिला है एक भी जो पेयर है वो नहीं मिला तो आप कहेंगे सर अब क्या करेंगे हम तो भैया अब करना है क्या आपको क्या है आप रिवर्स से आप पाइए इस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं ठीक है हम लोग कहां से आएंगे रिवर्स से आएंगे तो यहां पे से लिख दीजिए अच्छा मैंने अमेरिकन लिखा था अमेरिका लिखा था चलिए ए है तो ए से तो आपने कर ही इधर से कोई मिला नहीं तो यहां से है तो एन ओ पी क्यू आर देखो ये एक मिल गया एन से ओ पी क्यू आर एक मिल गया फिर आर से एस टी यू कोई नहीं मिला तो एन आपका हो गया कैंसिल पे आ जाएगी ए से बी सी डीई एक और मिल गया भैया लो ए से चले बी सी डी ई एक और मिल गया यानी उधर से तो कोई नहीं मिला था यहां पे बैक टू बैक दो मिल गए हैं एफ जी फिर ठीक है कोई नहीं मिला सी से चले हैं सी से डी ई एफ जी एच कोई नहीं मिला है ना सी तक हमने कर लिया ओके याद रखिएगा यार सी तक आपने कर लिया ठीक है सी तक आपने कर लिया था ना आई पे आ जाओ तो आई से जे के एल एम नहीं बात बनी आर से आर एस टी यू नहीं बात बनी ई e से एफ जी बात नहीं बनेगी एम से भी नहीं बनेगी ए e से तो यहां पर जो आपका आंसर निकल के आया वो अमेरिका निकल के आया टू आपका निकल के आया दो ने आपका निकल के आया ठीक है थीके? समझ में आ गया भैया कोई डाउट यहां पे रह गया मैं कह रहा हूँ आपसे कि यार ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली डेफिनेटलीस एग्जाम पूछा जाता है एक नंबर का ठीक है चलो तो यहाँ पे कर लोगे आप इन क्वेश्चन को ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ उन्हें ठीक है एक और कर लेते हैं चलो कोई सा कौन सा करें वंडरफुल वाला कर लें वंडरफुल डब्ल्यू से काउंट करना स्टार्ट कर दो डब्ल्यू एक्स वाई जेड कोई बात नहीं बनी है फिर ओ पे आ जाओ तो ओ से पी क्यू आर एस टी यू बिल्कुल हो गया देखो एन से यू सॉरी ओ से ओ से पी क्यू आर एस टी यू अभी हमने ओ से काउंट किया था सॉरी हमने जो काउंट किया था वो कहाँ से किया था ओ से हमने किया था हमने काउंट किया था ओ से ओ से हमने काउंट किया था ठीक है तो एक हमें मिल गया एक पेयर एन से करोगे तो एन से आगे चलते जाओ एन से ओ पी क्यू आर एस टी बात नहीं बनेगी डी से ई e. डी से ई e चले तो एक और मिल गया कहाँ गया भैया डी से ई e मिल गया आगे चले एफ जी एच आई फिर कोई नहीं ई e से एफ जी एच आई कोई नहीं मिला आर से एस टी यू नहीं एफ से जी एच कोई नहीं मिला यू से यू वी कोई नहीं मिलेगा और एल पे तो ख़त्म ही हो गया तो दो यहाँ से मिल गए लेकिन अभी जो एक और साइड आपकी है वो तो आपकी बाकी है एक मिनट दो हमें मिल गए थे ना इधर से जाओ तो एल से आप काउंट करें एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी नहीं मिला यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं मिला एफ देखो एफ को कट कर रहे हैं ना एफ से स्टार्ट करना है कि एफ जी एच आई जे के एल नहीं मिला आर एस टी यू वी डब्ल्यू अब देखो आर से डब्ल्यू मिल गया आर पे पेन रखा कट किया तो आर एस टी यू वी डब्ल्यू तीन हो गए ठीक है ई एफ जी एच आई यहां कोई नहीं मिला डी ई एफ जी कोई नहीं मिलेगा एन ओ एन ओ थोड़ा ही चले कि मिल ही गया तो यहाँ पे एक और आपका पेयर बन गया ठीक है ओ से फिर आ गया आपको कोई बनेगा नहीं तो ओ से ये कैंसिल आपके हो गए तो यहाँ से कितने पेयर निकल के आ गए आपके चार पेयर निकल के आ गए कई बार एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम में आपके ऑप्शन आते हैं कि कोई पेयर नहीं बनेगा सेकेंड ऑप्शन आ गया एक दूसरा ऑप्शन आ गया दो तीसरा आ गया तीन चौथा आ गया कि मोर देन थ्री और जब आपके तीन चार आपके आ गए हैं तो मोर देन थ्री तो हो ही गए ना यार तो अब आप आपको क्या करना ऐसी सिचुएशन में आपको आगे नहीं जाना है क्योंकि देखो चाहे चार निकल के आए या पांच निकल के आए छह निकल के आए लेकिन अल्टीमेटली है तो वो तीन से ज्यादा ना

आपका करवा रहा हूँ टाइप टू जो आपको मैंने करवाया था पिछला क्वेश्चन और ये जो आपका टाइप थ्री है ये बच्चों आपके एग्जाम में ये मान लो कि डेफिनेटली पूछा जाता है और ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसको आप तभी कर सकते हो जब आपको इंग्लिश की वॉकेबुलरी का बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज हो इंग्लिश का वॉकेब आपको बहुत अच्छे से आता हो क्योंकि रीजनिंग का सवाल नहीं है ये ये सवाल ही कैसा है इंग्लिश का आपको है यदि आपको इंग्लिश आती है तो आप कर पाओगे नहीं तो नहीं कर पाओगे देखो कह क्या रहा है हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद यूजिंग ई डी ओ एम हमारे पास चार लेटर दिए गए हैं कौन कौन से ई डी ओ एम चार लेटर हैं इनका यूज करते हुए आप कितने इंग्लिश के मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हो मीनिंगफुल वर्ड का मतलब जिन वर्ड का कोई मतलब हो ऐसे नहीं कुछ भी बना दिया ठीक है ऐसे बना दिया ओ डी ई एम तो ये होना चाहिए कुछ आपसे पूछा कि बताओ इसका मतलब क्या होता है ऐसा बना दिया बंद बन तो गया अचार हैं ऐसे नहीं शब्द वर्ड है वो अलग होता है मीनिंगफुल वर्ड है वो अलग होता है समझ रहे हैं आप हमारी बात वर्ड अलग होता है और मीनिंगफुल वर्ड अलग होता है ठीक है एक होता है ना बकवास और काम की बात ठीक है तो यहाँ पर आपको काम बतानी है साथ साथ आगे और भी लिखा होता है कई बार लिखा हुआ भी नहीं आता तो भी आपको एजूम करना है कि हर एक लेटर का एक बार यूज करना है हर एक लेटर का एक बार यूज करना है और सारे लेटर्स आयसनिक सर ये बन गया सर डू बन गया सर करना होता है सर डू का मतलब नहीं भैया चारों यूज आने चाहिए और एक का यूज एक बार होना चाहिए तो बताओ क्या क्या बन जाएंगे तो आपका सर एक तो मोड़ बन जाएगा बिल्कुल मोड़ का मतलब होता है तरीका पद्धति ठीक है एक बन जाएगा डोम डोम का मतलब होता है वो मंदिर का जो गुंबद होता है और एक हो जाएगा आपका डेमो तो यहां पर क्या है? डेमो का मतलब होता है दिखाना प्रदर्शन करना ठीक है समझ में आ गया तो यहां पर कितने मीनिंगफुल वर्ड बने तीन आपके बन गए मोड का मतलब होता है पद्धति तरीका गुंबद और दिखाना डेमो देना प्रदर्शन देना ठीक है समझ में आपको आ गया तो यहाँ पर जो इसका आंसर निकल कर जाए वो निकल कर जाएगी सर यहाँ से तीन मीनिंगफुल वर्ड है वो बन सकते हैं लेकिन यार एक बात समझो कि मान लो हमें पता था कि तीन बनेंगे समझ रहे हैं लेकिन यदि हमें इंग्लिश की वकैयाब का नॉलेज नहीं होगा तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को हम नहीं कर पाएंगे ये क्वेश्चन हमसे बन ही नहीं पाएगा तो मैं कहूँगा कि जब आपका पेपर बहुत अच्छा जा रहा है जो आपको लग रहा है कि हाँ मेरा पेपर क्लियर हो आराम से हो रहा है तो ऐसे क्वेश्चन में देखो मैं कहूँगा अगर आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप हैं कि हाँ सर और कुछ बन ही नहीं सकता मैं जो कर रहा हूं वो सही है तो आप इस क्वेश्चन को करें ठीक है लेकिन आपको डाउट है तो यार ना करो क्योंकि देखो अगर आपका गलत निकल गया तो कहीं ना कहीं वो आपको माइनस पॉइंट टू फाइव देके चला जाएगा माइनस में जाने से बढ़िया है कि ना करें लेकिन हाँ आपको कुछ भी नहीं आता पेपर में बहुत बेकार पेपर जा रहा तो आप इससे भी कर लो फिर इससे बेकार और क्या होगा लेकिन ठीक है लेकिन आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है ठीक ठाक है या आपने ऐसा क्वेश्चन पहले देखा है कहीं पर या आपने किया है तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए क्योंकि ये भी जो क्वेश्चन है वो अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट करता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो नहीं करते हैं इस क्वेश्चन को ठीक है वो रिस्क नहीं लेते इस क्वेश्चन में लेकिन यदि आप कॉन्फिडेंट हैं आपको नॉलेज है आपके सब्जेक्ट का और इंग्लिश का साथ साथ तो आप डेफिनेटली मैं कहूँगा आपसे इस क्वेश्चन को आप करिए ठीक है बहुत सही रहेगा चलिए समझ में आ गया चलो अगला एक तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से कि चार वर्ड हैं इनमें से कई बार कहता थोड़ा क्वेश्चन मॉडिफाई होकर आ जाता है आपसे कहता है कि बताओ डी से स्टार्ट होने वाले कितने हैं तो यहां पे डी से स्टार्ट होने वाले दो हो जाएंगे ठीक है चलिए अगला करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर इफ इट इज पॉसिबल टू मेक एनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बाई यूजिंग टू थ्री सेवन एट लेटर ऑफ वंडरफुल आपसे कहा गया है कि एक वर्ड है हमारे पास वंडरफुल उ इफ इट इज पॉसिबल टू मेक एनी मीनिंगफुल वर्ड यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना पॉसिबल है बाई यूजिंग टू थ्री सेवन एट तो टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन एट यदि सेकेंड और थर्ड लेटर से कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना पॉसिबल है इन लेटर से वंडरफुल के इन लेटर्स से तो कौन कौन से आए पास निकल गई ओ एन एफ और यू यानी दूसरा तीसरा सातवां, आठवां। इनसे कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना पॉसिबल हुआ देन व्हाट विल बी थर्ड लेटर ऑफ देट वर्ड तो जो शब्द आप बनाओगे ना जो मीनिंगफुल वर्ड आप बनाओगे उसका थर्ड लेटर जो होगा वो क्या होगा और वही आपका आंसर है हो सकता है ओ हो सकता है एन हो सकता है एफ़ हो सकता है यू हो सकता है आप कहोगे सर एक्स एम तो है ही नहीं ये क्यों दे रखे ऑप्शन में लेकिन यार देखो ऐसा भी तो हो सकता है आप कहो सर इसने पूछा है कि थर्ड लेटर कौन सा होगा कि सर मान लीजिए मैंने दो बनाए दो मीनिंगफुल वर्ड बना बना दिए मैंने एक में तो यू आ गया एक में एफ़ आ गया तो सर अब मैं क्या आंसर दूंगा पहले आप मेरी बात को समझिए उसने पूछा यदि कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना पॉसिबल है तो उसका तीसरा लेटर क्या होगा अब एक बच्चे ने ऐसे पूछ लिया यहां कि सर मान लीजिए मैंने तो दो बना लिए एक का तीसरा वर्ड आया एफ एक का आया है यू तो उसने कहा है देखो इफ नो वर्ड कैन बी फॉर्म देन गिव आंसर एक्स एंड इफ इट इज पॉसिबल देखो समझो यदि पॉसिबल है टू फॉर्म मोर देन वन वर्ड यदि एक से ज्यादा शब्द बन जाए ना एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड बन जाए तो आपको आंसर एम देना है तो फिलहाल जिस जो इस बच्चे ने पूछा तो इसके तो दो मीनिंगफुल वर्ड बन गए तो इसका आंसर क्या होगा यहां पर एम हो जाएगा क्या हो जाएगा एम हो जाएगा क्यों क्योंकि दो बन गए हैं एक से ज्यादा बन गए लेकिन देखो मैं आंसर नहीं बता रहा मैं समझा रहा हूं कि आपके मन में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है एक मिनट ना मैं थोड़ा ऐसे यहां से कर देता हूं यार ओके okay. लेकिन एक और बच्चा था क्लास में उसने ये पूछा कि सर मान लीजिए मेरा तो कोई वर्ड बना ही नहीं कोई भी मीनिंगफुल वर्ड मेरा बना ही नहीं तो मैं क्या फिर क्या आंसर दूंगा वहां पे क्योंकि जब कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा ही नहीं तो थर्ड लेटर फिर आएगा कहाँ से तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया कि इफ नो वर्ड कैन बी फॉर्म यदि कोई शब्द ही नहीं बने देन गिव आंसर एक्स तो आप आंसर कर दीजिए एक्स आप आंसर दे दीजिए ठीक है यदि कुछ भी ऐसा वर्ड नहीं बनता तो आप आंसर क्या दे दोगे आप एक्स आंसर दे दीजिए ठीक है और यदि कोई बन रहा है तो आपको उसका देना है तो यहाँ पर देखो आपके पास निकल गया था ओ एन एफ यू तो इसका क्या बन सकता है बताओ एफ यू ओ एन क्या होता है भैया ये एन ओ यू एफ अब उल्टे से तक्के नहीं मारने आपको आता है क्वेश्चन तो करना है नहीं आता स्किप करना है देखो बैंक का जो एग्ज़ाम है ना वो मैटर इस पर नहीं करता आप कितना करते हैं मैटर इस पर करता आप कितना छोड़ते हैं अब ऐसा नहीं सर मैं तो पूरा ही पेपर छोड़ के आ गया मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ कहने का मतलब कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है कौन सा क्वेश्चन आपका बनेगा कौन सा क्वेश्चन कितना टाइम ले रहा है और कौन सा क्वेश्चन आपको नेगेटिव मार्क मिलेगा तो वो सब कुछ चीज़ें यहाँ पर देखनी होती तो आपको लगा यहाँ पर कि मेरे से नहीं होगा आपने स्किप किया लेकिन आपको पता है कि ऐसा कोई वर्ड नहीं होता इन चार से कोई वर्ड नहीं बन सकता तो आप आंसर देंगे x तो फिलहाल इसका जो आंसर है वो x है क्योंकि इससे कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनने वाला है समझ में आपको आ गया यहां पर कोई भी मीनिंगफुल वर्ड इससे नहीं बनेगा तो यहां पर जो फिलहाल इसका आंसर हो गया वो आपका हो गया x ठीक है चलिए तो ये था देखो क्वेश्चन जो था सेम यही था पहला जो क्वेश्चन था वो ये था इसको ही थोड़ा ऐसे मॉडिफाई तरीके से इसने यहां पे लिख दिया कि निकल के तो अंत में ओ एन एफ यू आया है वहां पर उसने डायरेक्ट ई डी ओ एम कर दिया था तो क्वेश्चन है क्वेश्चन वही होता है बस उसको प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो एग्जामिनर टाइम टू टाइम चेंज करता था ताकि जो लगातार जो एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट है वो भी कहीं ना कहीं फंसे उस क्वेश्चन में तो यहाँ पर आज हमने दो से तीन टाइप यहाँ पे हमने पढ़े हैं मीनिंगफुल वर्ड हमने पढ़े हैं बिटवीन द लेटर्स कैसे निकालते हैं वो हमने पढ़े हैं और थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट के बारे में हमने नॉलेज आज गेन किया है इसके बाद अगले लेक्चर में भी हम जो सीरीज है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है नंबर सीरीज है जो वर्ड की जो सीरीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे तो फिलहाल आज के लिए का जो लेक्चर है उसमें इतना ही फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ तब तक के लिए बाय टेक केयर एंड ए नाइस डे